आज के इस वीडियो में जानेंगे बीओबी वर्ल्ड से फंड ट्रांसफ़र के लिए बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीओबी वर्ल्ड को ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपना लॉगिन पिन इंटर करेंगे। ट्रांसफ़र को क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे जाएंगे, प्लस आइकन, इसको जो है क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, इसमें जाएंगे, अगेन जो है प्लस आइकन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है चार ऑप्शन आपको मिल जाएगा बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए। फर्स्ट जो है थर्ड पार्टी विद इन बैंक। अगर आपको बीओबी अकाउंट के बेनिफिशियरी को ऐड करना है तो थर्ड पार्टी विद इन बैंक को क्लिक करेंगे। सेकेंड जो है NEFT IMPS P2A फोन टू अकाउंट। अगर आपको अदर बैंक के अकाउंट के बेनिफिशियरी को NEFT और IMPS के लिए ऐड करना है तो आप जो है सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसमें जो है आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे करके आप बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो है IMPS P2A अदर पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है IMPS के लिए। अगर आप मोबाइल नंबर और MMID के थ्रू बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और फोर्थ जो है RTGS दिया हुआ है। अगर आप अदर बैंक के अकाउंट के लिए RTGS के लिए ऐड करना चाहते हैं तो जो है फोर्थ ऑप्शन को क्लिक करेंगे। हम जो एक एक करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट जो है थर्ड पार्टी विद इन बैंक, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है निक नेम दे देंगे बेनिफिशियरी का और यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी का नेम देंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देंगे। यहाँ पे जो है केवल बीओबी का अकाउंट नंबर देंगे और इसके बाद जो है प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हम इंटर कर लेते हैं। और इसके बाद जो है इसको कंफर्म कर लेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा, उसको यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन पिन इंटर करेंगे और इसके बाद इसको ओके कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पार्टी विद इन बैंक बेनिफिशियरी फॉर थर्ड पार्टी विद इन बैंक ट्रांसफ़र एडेड सक्सेसफुली, इट विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर 4 आवर। 4 घंटे के बाद जो है बेनिफिशियरी एक्टिव हो जाएगा फंड ट्रांसफ़र के लिए। सेकेंड जो है अदर बैंक अकाउंट के लिए NEFT IMPS के लिए जो है बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए जो है सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी का निक नेम दे देंगे और इसके बाद बेनिफिशियरी का नेम देंगे और इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देंगे उसका। और यहाँ पे जो है कंफर्म कर लेंगे अकाउंट नंबर को और यहाँ से जो है अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग या फिर अदर टाइप का अकाउंट है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है IFSC कोड इंटर करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हम इंटर कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो है सब इंटर कर लिए हैं और इसको जो है प्रोसीड करेंगे और इसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, इसको जो है कंफर्म कर लेंगे। और यहाँ पे जो है OTP इंटर करेंगे और यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन इंटर करेंगे और इसके बाद इसको ओके कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा NEFT IMPS P2A फोन टू अकाउंट बेनिफिशियरी फॉर NEFT फंड ट्रांसफ़र एडेड सक्सेसफुली, इट विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर 4 आवर। 4 आवर के बाद जो है आपका बेनिफिशियरी एक्टिव हो जाएगा फंड ट्रांसफ़र के लिए। मोबाइल नंबर और MMID के थ्रू बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी का निक नेम देंगे और यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर उसका देंगे और यहाँ पे जो है कन्फर्म कर लेंगे मोबाइल नंबर को और यहाँ पे जो है MMID उसकी देंगे। MMID जो है 7 डिजिट का एक रैंडम कोड होता है, एक यूनिक कोड उसको बोलते हैं। और इसके बाद जो है प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हम इंटर कर लेते हैं। और इसके बाद इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पे OTP इंटर करेंगे और ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पे इंटर करेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा IMPS P2P फोन टू फोन बेनिफिशियरी फॉर IMPS मोबाइल नंबर ट्रांसफ़र एडेड सक्सेसफुली,
इट विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर 4 आवर। अगर आपको RTGS के लिए अदर बैंक अकाउंट को ऐड करना है तो RTGS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आप जो है अकाउंट नंबर और IFSC कोड इंटर करके आप बेनिफिशरी को ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।